नमस्कार मित्रों, जय माता दी। माता रानी की कृपा से फिर से एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज के वीडियो मकर राशि वाले जातकों के लिए बेहद खास और बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज के दिन का क्या रहने वाले आपका भाग्यशाली अंक और क्या रहेंगे आपका भाग्यशाली अंक और आज का दिनचर्या क्या कैसे रहने वाले हैं और आज के दिन आपको कैसे कार्य करना है, इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेंगे। वीडियो को पूरे अंत तक देखें और वीडियो का कोई भी पार्ट पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें जय माता दी। और अभी तक आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज अपने व्यक्तिगत तथा रुचिपूर्ण कार्य में अधिकतम समय व्यतीत करने वाले हैं। इससे आपके अंदर नई ऊर्जा और संचार होंगे तथा दिनचर्या में भी परिवर्तन आएंगे। आप किसी भी परिस्थिति में संतुलन बना के रखेंगे। रिश्तेदार अथवा घनिष्ठ व्यक्ति से संबंधी कोई भी अप्रिय घटना घटने से मन में कुछ उदासी भी रहेंगे। रुपये पैसे के मामले में किसी पर भी आंख मूंद कर विश्वास ना करें। इस समय बाहर आने जाने का बजाय घर की रहन सहन भी उचित रहने वाले। वेबसाइट में इंटरनेट और फोन के माध्यम से पब्लिक रिलेशन को भी और अधिक मजबूत बनाएंगे। अपनी कार्य प्रणाली में परिवर्तन लाते समय किसी भी अनुभवी व्यक्ति की सलाह भी अवश्य ले। निश्चित ही आपको उचित मार्गदर्शन भी मिलने वाले हैं। पति पत्नी दोनों मिलकर घर के परिवार के देखरेख संबंधी गतिविधियों पर भी विचार विमर्श करेंगे जिससे घर का वातावरण उचित और खुशनुमा बना रहेंगे। खांसी जुकाम वायरल आदि से जैसी परेशानी रहेंगी। यह समय अपने स्वास्थ्य के प्रति ज्यादा ध्यान देने के काम का है। लापरवाही बिल्कुल भी ना बरते। और आज का आपका भाग्यशाली रंग रहने वाले हैं आसमानी और आज का आपका भाग्यशाली अंक रहने वाले हैं 7। भावनात्मक उलझने बढ़ने लगेंगे फिर भी आप अपना संतुलन नहीं खोने देंगे। काम की जगह अपने ऊपर गलत इल्जाम आने के कारण आपके अंदर नकारात्मक उत्पन्न भी हो सकते हैं और इसी का असर आपके पारिवारिक जीवन पर भी देख सकते हैं। लेकिन यह समस्या दूर करने के लिए किए प्रयत्नों का आपको सफलता प्राप्त होंगी। विदेश संबंधी व्यापार करने वालों के लिए फिलहाल व्यापार के विस्तार संबंधी सूचना भी नहीं चाहिए। पार्टनर्स के द्वारा हो रही गलतियों को दूर करने के लिए आपको उनके साथ में ठीक से संवाद बनाए रखने के लिए होंगे। बुजुर्गों की अपने सेहत के प्रति अधिक जागरूकता दिखाने की आवश्यकता होंगी और आज के दिन धन और लाभ में प्रयासों में सफलता भी मिल सकते हैं। कार्यों में अनुकूलता भी देखकर मन प्रसन्न रह सकते हैं। अनावश्यक चिंता से बचने की जरूरत होंगी। शनिदेव को तिल के तेल का दीपक करेंगे तो सारी चिंताएं से भी आपको दूर हो जाएगी और आज कार्य संबंधी अनुभव पूरे हो कर सकते हैं। निकट परिजनों को अच्छा सहयोग भी मिल सकते हैं। स्वास्थ्य में पाया मजबूती भी रह सकते हैं। हनुमान जी को 2 लौंग वाला 5 चढ़ाएं तो सारी समस्या दुख भी दूर कर देंगे और आज विवाद के मामले में सुखद स्थिति भी रह सकते हैं। अपने आपसे किए गए वादे को पूरे करने के लिए जी जान से लगे रहें। पेट संबंधी कुछ समस्या भी रह सकते हैं। बछड़े को गुड़ रोटी दें और आज अपनी कार्य संबंधी प्राथमिकताएं कर लीजिए और उसी के अनुसार कार्य कीजिए। अपने समय के सही उपयोग करें। कमर दर्द भी कुछ दुखी कर सकते हैं। गणेश भगवान को मालिपना सहित वरक चढ़ाएं और आज के दिन विशेष कार्य के लिए सफलता का योग है। धार्मिक क्रियाकलापों की भागा दौड़ी भी कर सकते हैं। धीरज के साथ में हर काम करें। गौशाला में धनराशि भेंट करें। सत्ताकार संबंधी मामले में अनुकूलता भी रह सकते हैं। मित्रों के साथ में नया काम शुरू कर सकते हैं। खास लोगों में भेंट सुख दे सकते हैं और भैरव बाबा को मोटी बूंदी के लड्डू का भोग लगाएं और आज किसी भी सक्षम आध्यात्मिक व्यक्ति से मार्गदर्शन लें। कार्य सुगमता से बन सकेंगे। शुभ कार्यों के लिए भी खर्च भी कर सकते हैं। कमर में कुछ सिंचाई भी रह सकते हैं। सूर्य देव को अर्घ्य देकर उसका जल आंखों पे लगाएं और ऑफिस के साथियों के लिए साथ अच्छा सहयोग मिल सकते हैं। सामाजिक प्रतिष्ठा भी बढ़ सकते हैं। जिम्मेदारियों में कुछ कमी भी आ सकती है। शीघ्र कुंजी शर्तों का पाठ करें और व्यापार लाभ दे सकते हैं। मित्रों के साथ में सहयोग काम भी बनवा सकते हैं। अपने अनुभवों के दूसरों के आशीष बांटे। सरस्वती देवी का कलवा का माला पहनाएं और आज के दिन वर्तमान दिनचर्या में बेहतर बनाने के लिए आपको कुछ प्रयास करने होंगे और अपने आप को सफलता भी मिलने वाले हैं। कोई भी शुभ समाचार मिलने से घर में प्रशंसा पूर्ण माहौल रहने वाले हैं। पठन पाठन की तथा नई जानकारियां भी हासिल करने के लिए उचित समय व्यतीत होंगे। घर की किसी
समस्या को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने का प्रयास करेंगे। क्रोध और आवेश में आकर परिस्थितियों को अधिक बिगाड़ सकती है। वर्तमान परिस्थितियों में सकारात्मक बने रहना जरूरी होंगे। आज व्यवसाय संबंधी कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय ना लें, क्योंकि इस समय ग्रह स्थिति अनुकूल नहीं है। साझेदारी और संबंधित कार्य में सफलता मिलेंगे। दिक्कत आने पर भी किसी भी वरिष्ठ व्यक्ति की सलाह लेना फायदेमंद रहने वाले। घर परिवार के कार्यों में सहयोग देना और तथा सबका ध्यान रखना, वातावरण भी सुखद और उत्तम रहने रखेंगे। नकारात्मक समाचारों की वजह से डिप्रेशन जैसी स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। अपनी सोचों को उत्तम और पॉजिटिव बना के रखने के आपको जरूरी होंगे। आपको अपने कार्य को करने के लिए योग्य मार्ग प्राप्त होगा, जिसके कारण आपके अंदर में आत्मविश्वास बढ़ेंगे। अपने आर्थिक परिस्थिति को भी किस तरह से सुधारा जाए, इस संबंध में मार्गदर्शन आपको आसानी से मिलने वाले हैं और उसे अमल में लाने की आपको कोशिश आपके द्वारा ही की जा सकती है। काम से संबंधित मिल रहे अवसर का वेग मना न करें और इस समय के कारण में आपको नाम का पहचान प्राप्त हो सकते हैं। नए व्यक्ति के जीवन में आने से आपको आनंद प्राप्त होंगे। शारीरिक डिस्टॉक्स करने के लिए आपको आवश्यकता होने वाली और आज अपने मेहनत द्वारा परिस्थितियों को काफी हद तक अपने अनुकूल बना सकेंगे। आपको इस मेहनत का उचित परिणाम भी हासिल होंगे। निवेश संबंधी गतिविधियों में जल्दबाजी ना करें। धर्म कर्म से जुड़े मामलों में आपका योगदान रहेंगे। नजदीकी संबंधियों के साथ में प्रेतक प्रॉपर्टी संबंधी कोई भी वाद विवाद भी बढ़ सकते हैं। अपने विचलित मन पर काबू रखें और कोई भी निर्णय लेते समय मानसिक स्थिति का भी स्थिर रखना जरूरी होंगे। बिजनेस में वर्तमान में जो भी चल रहा है उसी से संतुष्टि रखें। अभी नया काम करने के लिए ग्रह स्थितियां कुछ अनुकूल नहीं है। अगर व्यवसाय संबंधी कोई भी विभाग की जांच चल रही है तो फिर उसका फैसला आपके पक्ष में आ सकते हैं। पति पत्नी के बीच में किसी छोटी सी बात को लेकर कुछ नोकझोंक भी रह सकते हैं। शांतिपूर्ण तरीके से समस्या का हल निकलवाने में जिसके तो परिवार की व्यवस्था पर भी इसका नकारात्मक असर ना पड़े। स्वास्थ्य उत्तम रहेंगे, परंतु महिलाएं अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें और किसी तरह का इन्फेक्शन होने के भी आपको रहने वाले हैं। और आज के दिन हर एक बात का भी अपना पूरा नियंत्रण बनाए रखने के कारण आपको अधिक आत्मविश्वास महसूस होंगे। साथ ही व्यक्तिगत प्रगति होने के कारण आपको आनंद भी प्राप्त होंगे। परिवार के संबंधी उचित निर्णय आपके द्वारा किया जाएंगे, जिसके कारण परिवार के किसी भी सदस्य के जीवन में संबंधी हो रही उलझन दूर होने के कारण लिए आपके द्वारा मदद मिलेंगे। स्टॉक मार्केटिंग से जुड़े लोगों के लिए बड़ा फायदा भी प्राप्त होने वाले हैं। आप अपनी अपेक्षा के अनुसार पार्टनर्स के मिलेंगे। यूरिन इन्फेक्शन और प्रॉपर गर्मी की और तकलीफ भी हो सकती है। और आज के दिन किसी भी कार्य को करने से पहले सोच विचार के कार्य करें, क्योंकि कोई भी नुकसान हो सकता है। और आज आपके लिए भी जीवन में कोई भी अप्रयाशित घटना भी घट सकते हैं, जिसका सकारात्मक प्रभाव पूरे परिवार पर भी पड़ने वाले हैं। किसी भी समाज सेवी संस्थाओं के प्रति सहयोग की भावना भी प्रबल होंगी। ऐसा और ऐसा करने से आपको मानसिक और आत्मिक सुकून मिलने वाला है। इस बात का ध्यान रखें कि कोई भी आपका नजदीकी रिश्तेदार तथा मित्र जलन की भावना में आपकी छवि भी खराब करने के लिए कोशिश भी कर सकते हैं। किसी के प्रकार के निवेश करने से पहले उसके सभी पहलुओं को विचार विमर्श का विषय कर ले। व्यापार से आर्थिक मामलों पर भी अधिक मनन और चिंतन करने की जरूरत होगी। साथ ही अपनी कार्य प्रणाली पे अपने आर्थिक पे और मामलों में अधिक मनन करने की जरूरत होगी और परिवर्तन लाने का प्रयास करें। अपने प्रयासों में बिल्कुल भी कमी ना आने दें। निकट भविष्य में आपको इसके उचित परिणाम भी हासिल होने वाले हैं। और आज जीवन साथी के स्वास्थ्य संबंधी कुछ दिक्कतें होने से पारिवारिक सुव्यवस्था पर भी कुछ अस्त व्यस्त भी रहने वाले हैं। आपका उन्हें सहयोग देना आपकी संबंधों को अधिक मजबूत बनाएंगे। स्वास्थ्य